एक ओर जहां वाराणसी को पर्यटन का केंद्र बनाया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर कैंट स्टेशन से कुछ ही दूरी पर नाइट मार्केट जाने वाले सड़क की स्थिति अत्यंत दयनीय है। यहां लंबे समय से स्थिति नारकी है, लेकिन किसी भी अधिकारी अथवा जनप्रतिनिधि का इस ओर ध्यान नहीं है। बताया जा रहा है कि कैंट से लहरतारा जाने वाले नाइट मार्केट पर आए दिन ऑटो रिक्शा, टोटो व बाइक सवार दुर्घटनाओं का शिकार होते हैं। देखा जाए तो अधिकतर घटनाएं रात के समय ही होती हैं। दरअसल रात के समय में यहां लोगों को गड्ढे वगैरह दिख पाना मुश्किल होता है। ऐसे में दुर्घटनाओं की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि वाराणसी की हालत बहुत खराब है, कैंट से लहरतारा तक गड्ढे ही गड्ढे हैं। इसका कारण स्थानीय कॉलोनियों व दुकानों के लिए सीवर का न होना है। पूरे मार्केट का पानी रोड पर ही आता है। इसे सही कराने की जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होनी चाहिए। सरकार का कार्य सड़क पर साफ दिख रहा है। यहाँ प्रतिदिन ऑटो व टोटो पलट रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले एक टोटो पलटा था जिसमें 4-5 लोग घायल हुए थे। इस सरकार के कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। इस सरकार का पूरा फोकस दिखाने में है। स्टेशन से 400 मीटर की दूरी पर स्थित यह रोड सरकार की कमियों को स्पष्ट कर रहा है। गौरतलब है कि पर्यटन के केंद्र बन रहे वाराणसी में प्रतिदिन हजारों की संख्या में पर्यटक आ रहे हैं। ऐसे में नाइट मार्केट के पास के खस्ताहाल रोड से वाराणसी की छवि अत्यंत खराब हो रही है। पर्यटन के दृष्टिकोण से जब यात्री वाराणसी आते हैं तो यहाँ की तस्वीर लेकर जाते हैं। आकाश कुमार नाम के एक स्थानीय दुकानदार ने बताया कि रात में दुर्घटनाएं ज़्यादा होती हैं। कई बार तो हम नाइट मार्केट वाले उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। वाराणसी कैंट के इस मुख्य रोड की दुर्दशा की शिकायत कई बार अधिकारियों से की गई, लेकिन किसी ने इसका संज्ञान नहीं लिया। और बात की जाए रोड की गुणवत्ता की तो वह आपके सामने है, क्योंकि इस बार वाराणसी में औसत से कम बारिश दर्ज की गई, तब यह हाल है। अरे रोज 2-4 ऑटो तो पलट जाती है, सवारी को भी परेशान होता है, पब्लिक को भी दिक्कत है। मनमाना ये सब पानी गिरा रहे हैं, ये अपने मन का कर रहे हैं। पूरे नाइट मार्केट में क्या सीवर के पास नहीं है? सीवर शायद नहीं है, रहता तो रोड पे कैसे नहीं ना बहाते हैं। देख तो रहे हैं खुला हुआ है, एकदम उसी में से बह रहा है रोड पे। स्टेशन से लहरतारा इलाहाबाद रोड चला जाता है, यही रोड मार्ग है। कितने लोग यहाँ गिरते होंगे? दिन भर में तो कम से कम 10-12 लोग तो गिरते ही होंगे। रात में तो अलग बात है, रात में तो हम लोग नहीं रहते, दिन में रहते हैं। दिन में 10-12 लोग तो हमेशा गिरते हैं। हम लोग उठाते हैं, उठा के भेज देते हैं, क्या किया जाएगा। अधिकारी लोग जाते हैं, अधिकारी जाते हैं, लोग देखते हैं, कुछ करते नहीं तो हम लोग क्या किया जाए उससे।